समय की लहरें न जाने कितनों के नामों निशान बहा ले गईं, लेकिन अमर हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आत्मा का तेज आज भी स्वतंत्र भारत के हृदय में जगमगा रहा है। उनके कर्मठ जीवन के आदर्श कार्य हमारे इतिहास के गौरव हैं। हम उस तूफानी जमाने को याद करें जिसमें तिलक रहे और जब उन्होंने तूफानों से टक्कर ली। कोंकण के रत्नागिरी गांव के निचले मध्य वर्ग में जन्मे इस बालक को अपने विद्वान पिता गंगाधर शास्त्री के गुण विरासत में मिले। अपने जन्म स्थान से तिलक ऐतिहासिक नगर पूना गए। अठारह में वे डेक्कन कॉलेज में दाखिल हुए। यहीं उनके अधिकांश विचारों को आकार मिला। उनका जिज्ञासु मन अनेक विषयों के ज्ञान सागर में डूब गया। उनके गणित शिक्षक केरुनाना छत्रे ने रेखा गणित और खगोल शास्त्र में उनकी रुचि को बढ़ावा दिया। तिलक सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं थे, उन्हें व्यायाम का भी शौक था। उन्होंने तंदुरुस्ती बनाई। गोपाल गणेश आगरकर के साथ वे देश की दुर्दशा पर विचार करते। शिक्षण आता प्रसार करता पर क्यांच्या उंजळीने पाणी पिण्याची ची निर्माण व्हायला हवी। ती होणार कशी बळवंतराव? आमचा भोळा धर्म विकृत संस्कृती आणि वेडगळ चालीरीती बदलल्या वाचून चीड निर्माण होईल म्हणता? छे, मला तर असं वाटतं की ही जुनाट खोडं तोडून म्हणजे जी भांडणं होतील त्यातच दमछाट व्हायची। बेहतर काय गोपाल इंग्रज। ये दोनों डेक्कन कॉलेज के पास बैठकर घंटों विचार किया करते। उनकी बातें जैसे आज भी यहाँ की हवा में गूंज रही हैं। नहीं गोपाल, मालूम ते उड़े 56 वर्षात रक्त शोषण पुष्कळ झालं। देशासाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे आणि झाडून केलं पाहिजे। साल पर साल बीते, तिलक ग्रेजुएट हुए और 23 वर्ष की उम्र में वे वकील बने। वे चाहते तो वकील बनकर सुख चैन का जीवन बिताते, मगर उन्होंने शिक्षा प्रचार का संकल्प किया। उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें विद्यार्थी देशभक्त बने। उनका साथ दिया उनके पुराने मित्र आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और नाम जोशी ने। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज बना। लेकिन थोड़ी समय बाद तिलक ने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें डर था कि अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण संस्थाओं की स्वतंत्र भावना का नाश कर देगा। उन्होंने अपने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का काम संभाला। तिलक की जोरदार लेखनी ने अत्याचार की तलवार से लोहा लिया। उनके शब्दों ने देशवासियों को सदियों की नींद से जगाया। जब जब उन्हें समय मिलता वे अपने देश के प्राचीन युग के अनुसंधान में लग जाते। खगोल शास्त्र में रुचि होने के कारण वे संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने लगे। अपने ओरायन ग्रंथ में उन्होंने साबित किया कि वेद 6000 वर्ष पुराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान मैक्स मुलर ने तिलक की विद्वत्ता की बड़ी तारीफ की। केसरी गर्जना करता रहा। तिलक ने गणेशोत्सव और शिवाजी की जयंती को सार्वजनिक रूप दिया जिससे राष्ट्रीय जागरण की लहर दौड़ गई। में भयंकर अकाल पड़ा। तिलक ने भूखे किसानों को राहत पहुंचाने का काम अपने हाथ में लिया। एक साल बाद जोरों से प्लेग फैला। केसरी ने लोगों की जीवन रक्षा की आवाज फिर बुलंद की। पूना पर मृत्यु की विकराल छाया पड़ी।
प्लेग बहुत तेजी से फैला। लोग घर बार छोड़कर भागने लगे। इस छूत की बीमारी की रोकथाम के लिए अंग्रेज सरकार ने रेंट नामक पत्थर दिल हाकिम को मनमाने अधिकार दिए। वो खुलकर जुल्म खाने लगा। तिलक बिना किसी भय के पुनाही में जमे रहे और दुखियारों की सेवा करते रहे। उन्होंने प्लेग के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोला और सरकार से प्लेग के मारों का दुख दर्द समझने का अनुरोध किया। प्लेग बढ़ता गया, बेदर्द नौकरशाही का जुल्म भी बढ़ता गया। उसने जनता के सहयोग को ठुकरा दिया। नगर में क्रोध की आग भड़क उठी। 22 जून को जब रेंट गवर्नमेंट हाउस से लौट रहा था, उसे मौत के हवाले कर दिया गया। जुल्म का बदला ले लिया गया, मगर सुबह होने से पहले ही शहर में कातिल की खोज शुरू हो गई। तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के भयंकर अत्याचारों के खिलाफ गर्जना की। अभी तक किसी भारतीय ने इतना साहस नहीं किया था। जनता का हमदर्द, उसके हृदय का फूल तिलक सरकार की आंखों का कांटा हो गया। उसने कांटे को कुचलने की ठानी। बंबई के हाई कोर्ट में मुकदमा चला। देशभक्त को राजद्रोह पर सजा दी गई। डोंगरी जेल, सितंबर 14, 1897। इस दिन से महान विद्वान और देशभक्त तिलक 18 महीने की कड़ी सजा भुगतने लगे। अपमान और कष्ट से तिलक का साहस नहीं टूटा। वर्षों पहले वे देश की आजादी पर मर मिटने का संकल्प कर चुके थे। वे सिर्फ पानी और सूखी रोटी पर गुजर करने लगे। तंदुरुस्ती उनकी बहुत बिगड़ गई। आखिर अंग्रेज सरकार ने सजा पूरी होने से पहले ही उन्हें इस डर से छोड़ दिया कि कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए। बिगड़ा स्वास्थ्य सुधारने के लिए तिलक अपने परिवार के साथ सिंहगढ़ गए, जो पश्चिमी घाट में शिवाजी का ऐतिहासिक किला है। शांत जीवन और शुद्ध पहाड़ी हवा से उनकी तबीयत सुधर गई। जब सूरज डूबता, उन्हें उत्तरी ध्रुव प्रदेश में आधी रात को चमकने वाले सूरज की, वहां के लंबे लंबे दिनों और रातों की याद आती। वे फिर अनुसंधान के कार्य में जुट गए। ओरायन में उन्होंने प्राचीन वेदों का मूल खोजा। गंभीर अध्ययन से उन्हें विश्वास हो गया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। इस संबंध में उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, जो उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जुलाई 1899 में तिलक ने फिर से आजादी का मोर्चा संभाला। पुनश्चहरी ही ओम, फिर से लड़ाई की शुरुआत। देशभक्ति की भावना बढ़ती गई। अंग्रेज भारत की एकता को कुचल डालना चाहते थे। फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई गई। बंगाल के दो टुकड़े करने का फैसला हुआ। सारे देश में विरोध की ज्वाला धधक उठी। देश के नेता कमर कसकर तैयार हो गए। तिलक उनमें सबसे योग्य थे। उन्होंने चुनौती दी, हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन हमारे पास है एक राजनीतिक हथियार। वो है बहिष्कार, विदेशी हुकूमत का बहिष्कार।
क्या आप मिलकर ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप कल से आजाद हैं। तिलक की कड़कती पुकार हर दिल में गूंज उठी। उद्योग चल निकले, विदेशी शोषण की जड़ें उखड़ने लगी। केसरी ने देशव्यापी बहिष्कार का नारा लगाया, देशभक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार की आवाज बुलंद की। तिलक ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मोर्चाबंदी शुरू की। 1906 में दादाभाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इस अधिवेशन ने तिलक के नए कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। एक साल बाद सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में भारी मतभेद हो गए, लेकिन तिलक अकेले लड़ते रहे। आपसी फूट से अंग्रेज सरकार को देशव्यापी दमन का मौका मिला। बंगाल में मुजफ्फरपुर ने बमों से जुल्म का जवाब दिया। आजादी की कहानी लिखी जाने लगी बलिदानों और संघर्षों से। सरकार ने भारतीय अशांति के जन्मदाता तिलक की आवाज दबाने की ठानी। 1908 में बंबई हाई कोर्ट में तिलक के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा चला। जज अदालत में आए, नाटक शुरू हुआ। तिलक को कैदियों का कटघरा मिला। एडवोकेट जनरल ने तनाव के वातावरण में मुकदमा पेश किया। साम्राज्यवाद की पूरी ताकत जनता के आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई थी। तिलक डटे रहे, उन्होंने अपना बचाव खुद तैयार किया, देश की आवाज बुलंद की। जूरी ने बंद कमरे में तिलक के मामले पर गौर किया। सवा घंटे बाद जूरी के सदस्य बाहर आए। खामोशी छा गई। फैसला सुनाया गया, तिलक अपराधी ठहराए गए। जज ने तिलक से पूछा, आपको कुछ कहना है? कड़कती हुई आवाज में तिलक बोले, मुझे यही कहना है कि जूरी के फैसले के बावजूद मैं अपने को निर्दोष मानता हूं। इस अदालत के ऊपर भी एक और अदालत है जो दुनिया के मुकद्दर का फैसला करती है। शायद ये प्रभु की इच्छा है कि मैं जिस मकसद के लिए लड़ रहा हूं वो मेरे आजाद रहने की बनिस्पत मेरे दुख भोगने से ज्यादा मजबूत बने। लोगों ने घोर विरोध किया। पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों ने हड़ताल की। तिलक की सजा आरंभ हुई। देश और देशवासियों से दूर, बहुत दूर उन्हें बर्मा में मांडले की बदनाम जेल में ठूंस दिया गया। छह साल के लिए उन्हें जेल में अकेले बंद कर दिया गया। गर्मी में मांडले तवे की तरह तपता, गर्मी या धूल से कोई बचाव नहीं, पंछी भी झुलस कर मर जाते। तिलक बड़े जतन से उनकी देखभाल करते और मुरझाते पौधों को पानी देते। घर से 3 महीने में एक बार खत मिलता, काफी कटछट कर। ऐसी हिम्मत तोड़ने वाली हालत में भी तिलक ने अपनी ज्ञान साधना जारी रखी, खासकर गणित और खगोल शास्त्र में। इधर पूना में तिलक के परिवार को दुख ने घेर लिया। उनकी पत्नी सत्यभामा बाई 1912 में चल बसी। तिलक को गहरा आघात लगा। उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ और शायद अब शीघ्र ही दूसरा भी समाप्त होने वाला है।
लोकमान्य की गैर मौजूदगी में भारत की राजनीतिक हलचल ठंडी पड़ गई। जनता पर राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव कम होने लगा। पंडाल सूने नजर आने लगे। मांडले में तिलक देश की निराशा को दूर करने का उपाय सोचने लगे। गीता ने उन्हें रास्ता दिखाया। महाभारत के समय अर्जुन भी उलझन में पड़ गया था। उस समय भगवान कृष्ण ने उसे कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया था। भारत को भी कर्मयोगी बनना होगा। ये था तिलक के गीता रहस्य का संदेश। भारत में राज्यारोहण उत्सव हुआ। नए सम्राट गद्दी पर बैठे, जॉर्ज पंचम। इस खुशी में सैकड़ों कैदी रिहा कर दिए गए, लेकिन भारत के वीर सपूत तिलक नहीं छोड़े गए। धीरे धीरे 6 साल की मियाद पूरी हुई, तिलक भारत लौटे। सारा देश खुशी में लहरा उठा। १९१४ का महायुद्ध छिड़ा। देश ने फिर तिलक की ओर देखा। यहां गायकवाड़वाड़ा में हर पक्ष के लोग उनसे मुलाकात के लिए आने लगे। १९१६ में लखनऊ अधिवेशन में तिलक कांग्रेस में फिर दाखिल हुए। उन्होंने विरोधी दलों में एका पैदा किया, राष्ट्रीय एकता कायम की। देखते देखते उनके ये अमर शब्द आजादी आंदोलन का नारा बन गए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। १९१८ में तिलक मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड गए। भारत में जोरो जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ। महात्मा गांधी विरोधी आंदोलन के नेता बने। उस पंजाब पर सरकार के जुल्मो सितम की बिजली गिरी, जिसके जवानों ने महायुद्ध में अपना खून बहाया था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए। तिलक भारत लौटे। लाखों लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। सरकार ने आंदोलन को ठंडा करने के लिए कुछ राजनीतिक सुधार पेश किए। तिलक ने फिर मतभेद दूर किए। उन्होंने एक नई कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, उन सिद्धांतों पर जो आज स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। अपार उत्साह से उन्होंने सारे देश का दौरा किया, लोगों को अपनी बात समझाई। उन्होंने जो कुछ मिले उसे लेकर पूरी आजादी की लड़ाई जारी रखने की सलाह दी। १९२० की जुलाई में तिलक बंबई आए और हमेशा की तरह सरदार गृह में ठहरे। ये उनके जीवन के अंतिम दिन थे। पहली अगस्त को 65 वर्ष की उम्र में वे स्वर्गवासी हुए। भारत के इतिहास का तिलक युग समाप्त हुआ। लाखों लोग अर्थी के साथ चल रहे थे। सारा देश शोक में डूब गया। महात्मा गांधी के इन शब्दों में भारत का हृदय बोल उठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। यह विश्वास नहीं होता कि वे हमसे बिछड़ गए। वे तो जनता के प्राण बन चुके थे।
एक महान व्यक्ति चला गया। सिंह की गर्जना खामोश हो गई। आने वाली पीढ़ियां उन्हें आधुनिक भारत का एक निर्माता मानकर सदा याद करेंगी। ऐसे महापुरुष को मृत समझना गलत है। उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। तिलक, भारत के एकमात्र लोकमान्य तिलक की दिलेरी, सादगी, काम की लगन और देश प्रेम जैसे अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं। यही होगा उनका सबसे बड़ा स्मारक।